चैनल जोबिया ट्रैक। हम हैं इस समय प्रयागराज के न्यू यमुना ब्रिज पे और आपको मेरे द्वारा दिख रहा होगा ये पुराना यमुना ब्रिज है और ये जो है कि अब बंद हो गया है। जहाँ पे दो चक्का और चार चक्का गाड़ियाँ चलती हैं बस, और बाकी गाड़ियाँ जो है इस पर चलती हैं। और आपको ये यमुना का पानी भी दिख रहा होगा, काफ़ी इस समय गंदा है बस, बट बाकी टाइम साफ रहता है। और घर का आपको हम दिखाते हैं व्यू। वहाँ पे आपको अगर आप इस टाइम तो बहुत ज़्यादा पानी पड़ चुका है, अगर आप अदर टाइम में आते हैं तो आपको साइकिलिंग बोटिंग जो होती है उसका भी लुत्फ आप ले सकते हैं, जिसका खर्च पर पर्सन 100 रुपये आता है। तो अच्छा चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो आपको जो ये सामने गेट दिख रहा है, ये प्रयागराज का फोर्ट का गेट है। और आपको बता दें, जो आपको ये भीड़ दिख रही है, ये मन कामेश्वर मंदिर देव जाने के लिए भीड़ है। वहाँ पे लोग दर्शनों मन कामेश्वर देवी के मंदिर के जस्ट आगे यहाँ पे जो है कि प्रयागराज का फोर्ट। प्रयागराज के सबसे फेमस ग्राउंड परेड ग्राउंड से होते हुए हम पहुँचे संगम मार्केट में। यहाँ से चलते हैं तो दिखाते हैं आपको संगम में, जो कि इतना बाढ़ आने के कारण, इतना कचरा भर जाने के कारण, फिर भी प्रयागराज तो प्रयागराज है, संगम तो संगम है। वहाँ पे लोगों के नहाने का भीड़ कभी कम नहीं हो सकता। आ चुके हैं लेके हनुमान जी का मंदिर जो है, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ से संगम जो है अभी 1-1.5 किमी की दूरी पे है, लेकिन बाढ़ का पानी इतना ज़्यादा भर जाने के कारण यहाँ पे बड़े लेके हनुमान जी के मंदिर में भी एकदम देख रहे हैं पूरा कचरा कचरा वगैरह हो रहा है, साफ सफाई चल रही है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे अकबर का जो किला है अभी बंद चल रहा है, तो यहाँ पे अभी एकदम साफ सफाई हो रहा है, बाकी पानी बहुत ज़्यादा आ गया है। यहाँ पर संगम में स्नान करने वालों की भीड़ कम नहीं हो सकती, ये आप देख सकते हैं। इतना बाढ़ आने के बावजूद भी लोगों का स्नान करने का सिलसिला जारी है। लोग इतना गंगा जी और यमुना जी के बढ़ जाने के बाद भी अपना स्नान का सिलसिला जारी है। तो संगम से होते हुए हम पहुंचे भरद्वाज मुनि के पार्क, जो कि भरद्वाज पार्क प्रयागराज के नाम से है। और भारद्वाज पार्क में हम चल के, ये जो गेट है यहाँ से हम एंट्री लिए हैं, अब गेट दिख रहा है ये, यहाँ पे पर पर्सन टिकट 10 रुपये है। चल के आपको दिखाते हैं कि क्योंकि भारद्वाज मुनि के आश्रम में भारद्वाज मुनि को और हर हर महादेव को उनकी जटा से गंगा मैया को निकलते हुए दिखाया गया है। चलते हैं, देखते हैं।